चलिए धार ब्लॉक से जीपीओ तक का ये काम पूरा हो गया। हम लोग तो पहले से ही देख रहे थे और तो इसका भी उद्घाटन हो गया और हम लोग तो इसको देखेंगे ही। और आप जानते ही हैं कि आज यही नहीं देखेंगे बल्कि और जगह के लिए जो पहले से प्रस्तावित है उस पर भी काम शुरू होने वाला है कुछ समय के बाद। तो जो कुछ भी इनका डिजाइन अभी दिखाया वो भी हम जा करके देखेंगे। वो तो मेरा काम ही रहता है तो मैं इसके लिए तो पथ निर्माण विभाग को विशेष तौर पर माननीय मंत्री जी को इनके अधिकारियों को सारे इंजीनियर्स को मैं विशेष तौर पर बधाई देता हूँ कि ये काम हो गया। अब लोगों को कितनी सुविधा होगी, यहाँ से सीधे कोई गांधी मैदान जाना चाहेगा तो कितना कम समय पहुँचेगा, इस एरिया से निकल करके कोई अगर कंकड़बाग जाना चाहेगा तो उनको कितनी सहूलियत होगी। तो इस तरह से तो देख ही रहे हैं, हम लोग का काम तो विकास का ही है, सब लोगों को सहूलियत हो इसी में हम लोगों की दिलचस्पी रहती है, ऐसी काम को लगाए रहते हैं। और जब भी कोई काम हम लोगों ने शुरू से ही किया है तो ये महसूस करते हुए इसके लिए और क्या विशेष तौर पर करना चाहिए उसके लिए देख करके फिर उसका अध्ययन कराते हैं, उसका डिजाइन तैयार होता है, उसको स्वीकृति मिलती है और फिर काम होता है। तो आप देख रहे हैं कि पटना का दृश्य, कोई पटना छोड़ करके पहले बाहर गया है अब लौट करके वर्षों के बाद पटना में आता है तो उसको तो आश्चर्य होता है कि भाई कैसा कैसा जगह, कितना फ्लाईओवर बना हुआ है, कैसी चीज़ें पटना में बन गई है। अगर आप देख रहे हैं कि पटना की आबादी कितनी बढ़ती जा रही है और कितने लोग यहाँ सुविधा हो गई है, इसलिए यहाँ का व्यापार भी बढ़ा है और लोगों का घर कितना बना है, तो सब कुछ तो हुआ ही और उसके पीछे यही कारण है कि और इसके आगे भी जहाँ जहाँ जरूरी है उस काम के लिए हम लोग सब प्रयास कर रहे हैं।
आप सब लोग भी आ गए इसको देखने के लिए, इसके लिए आप सब लोगों को बधाई।